भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। मुंह चुरा के भाग रहे हो? अरे यार मुंह नहीं चुरा रहे हम। जवाब दो, वीडियो खा रहे आप। जवाब तो दे रहे, हम तुझे इलाज के लिए लाए नहीं लाए। इलाज के लिए कौन सी बीमारी है आप हमको? ये हमें लिखत दे दे कि गोली नहीं मारेंगे हम, ड्रामा कल्चर जाने के लिए तैयार है। क्योंकि योगी ने पता नहीं कौन सी बूटी सुहा दी है इनको कि जो गोली पैर पे ही मारते हैं मुलजिम के। रही रियाय का नहीं, आप हमें लिखत दे दो गोली नहीं मारोगे आप हमें, हमको हमें सोच रहे सीधी बात, आप हमको गोली नहीं मारोगे, आप हमको लिखत दीजिए और गंगा तरफ हाथ उठाकर कसम खाइए गोली नहीं मारेंगे आप। हम तो यही चाहते हैं कि हमको जेल से बाहर ना निकाला जाए, सुकून से रोटी खाएंगे, सुकून से सोएंगे। अपराधियों में यूपी पुलिस की गोली का खौफ देख लीजिए, डर ऐसा है कि भैया पूछिए मत। अब एक बदमाश जिद पर अड़ गया कि पहले पुलिस वाले लिख कर दें कि वो गोली नहीं मारेंगे, तभी वो पुलिस वालों के साथ जाएगा। हरदोई में जिला कारागार से डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज लाए गए कैदी ने जमकर बवाल काट दिया। मेडिकल कॉलेज से पुलिस के साथ जाने के लिए कैदी राजी ही नहीं था और उसने सबके सामने भयंकर बवाल काट दिया। कैदी ने हंगामा करते हुए कहा कि पुलिस उसे लिख कर दे कि वो रास्ते में उसे गोली नहीं मारेंगे। इसके साथ ही हंगामा कर रहे कैदी ने ये भी कहा कि न जाने सीएम योगी ने कौन सी बूटी सुंघा दी कि ये पुलिस वाले सीधा पैर में गोली मारते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमको जेल से बाहर ना निकाला जाए, सुकून से रोटी खाएंगे, सुकून से सोएंगे पढ़ के। हम यही तो चाहते हैं, हाँ इसीलिए चाहते हैं कि हम जेल से बाहर निकाले ही ना जाए, हम किसी को देखना ही नहीं चाहते दुनिया को। तो इलाज तो करवा लो। नहीं इलाज भी नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं कराएंगे। तो डॉक्टर इलाज करवा रहे हैं, इलाज तो करवाओ अपना। कुछ नहीं कराएंगे हम जेल से, आप लिख के दे दो, ये हमें लिखत दे दे कि गोली नहीं मारेंगे हम, ड्रामा कल्चर जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि योगी ने पता नहीं कौन सी बूटी सुहा दी है इनको कि जे गोली पैर पे ही मारते हैं मुलजिम के। जेल जाने का मतलब तेरा आदेश आ गया रिहाई का? नहीं रिहाई का नहीं, आप हमें लिखत दे दो गोली नहीं मारोगे आप हमें, हमको हमें सोच रहे सीधी बात, आप हमको गोली नहीं मारोगे, आप हमको लिखत दीजिए और गंगा तरफ हाथ उठाकर कसम खाइए गोली नहीं मारेंगे आप। इतनी मीडिया है भाई, कि गोली मारी जाती है इन्होंने मारी, इन्होंने कहा क्यों कहा भाई, इन्होंने कहा है क्या कहा, और एक नहीं 85 पुलिस वालों ने गोली मारी है, अस्पताल में कारागार में मौजूद है बदली। ये इकरार करें कि गोली हमको नहीं मारेंगे, लेके चले हमको क्या दिक्कत है। दरअसल जमानत पर छूटने के बाद रिजवान फरार हो गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और 5 महीने पहले पुलिस के डर से उसने सरेंडर किया था। कैदी रिजवान को गुर्दे की बीमारी है, जिसके चलते उसे डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया। जैसे ही पुलिस वाले बदमाश को KGMU ले जाने की तैयारी करने लगे तो बदमाश ने सबके सामने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस वालों से ही भिड़ गया। रहने दो, क्यों यार जीवन से खेल, तुम पुलिस वाले हो, तुम मुकदमा मांगते हो, हटो पीछे, लाओ फाइल लाइए, आप हमारे मुकदमे की लाइए, लाइए फाइल, आप प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ दीजिए, आप मुलजिम है यार। मैडम को फोन करें, आप प्रूफ दो, हमारे मुलजिम है, भेजेंगे अपने आप हमारे को थोड़ी, हमें तो अभी रक्षा में इलाज के लिए लाए, उसमें भी यार ज्यादा वो कर रहा है। हम मुलजिम है, आप हमको हमारा मुकदमा दीजिए, किस सन का मुकदमा है आप, आप जब हमको जे बता हमारा कौन सी का मुकदमा है, अब किस चीज का मुकदमा लगाया इन लोगों ने पे, इनसे पूछो मुकदमे बाजी। मुंह चुरा के भाग रहे हो? अरे यार मुंह नहीं चुरा रहे हम। जवाब दो, वीडियो खा रहे आप। जवाब तो दे रहे, हम तुझे इलाज के लिए लाए नहीं लाए। इलाज के लिए कौन सी बीमारी है आप हमको? भाई हमें जेल से भेजा गया तेरी साहब। कितने भेजा जेल से? जेलर साहब ने। तो बीमारी का कागज दिखाइए आप, देखिए इनके पास बीमारी कागज नहीं है। हानि का एक निरुद्ध बंदी जिला जेल से जिला चिकित्सालय के लिए डायलिसिस के लिए ले आया गया था, जहां वह डायलिसिस कराने से मना कर रहा था और हंगामा काट रहा था। बाद में पुलिस द्वारा समझा बुझा करके उसका डायलिसिस कराकर उसे पुनः जिला जेल भेज दिया गया। तो यूपी पुलिस की गोली का डर कहिए या खौफ, लेकिन पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स ने बदमाशों को हिला कर रख दिया
और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, यूपी तक।